हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। और आज हम द रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर या टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास एट्स का सिलेबस में भी है, जो हमारे क्लास एट्स के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, इसके पॉइंट वाइज भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है, एक इमेज बनाई गई है जो कि कोई किसी पेंटर के द्वारा बनाई गई है। इसमें दिखाया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव को अवॉर्डेड किया जा रहा है किसी मुगल एम्परर के द्वारा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1785। तो 1785 में जो हमारे मुगल रूलर उस टाइम पर थे, उनके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को एज अ दीवान यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था। दीवानी का जो भी कार्य था वह रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया गया था। तो वही इस टॉपिक में हम आगे हेडिंग जो लिखी हुई, द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से कंपनी दीवान के रूप में पदस्थ हो गई, अपॉइंट की गई मुगल रूलर के द्वारा। तो अब धीरे धीरे जो ट्रेडर्स बन के आए थे वह एज अ दीवान यहाँ पर हमारे पॉलिटिक्स में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगस्त 1785 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक्स प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड द इंडियंस एज अ विटनेस। बट इन द पेंटिंग एवब द इवेंट इज सॉन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन द ग्रैंड सेटिंग। द पेंटर वॉज कमीशन बाय अ क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन अ क्लाइव्स लाइफ। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन अ ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो हुआ क्या कि रॉबर्ट क्लाइव को जब अवॉर्ड किया गया, तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि रॉबर्ट क्लाइव के टेंट पर ही कुछ इंग्लिश मैन और जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ के ही, और कुछ जो इंडियंस थे, इन लोगों के सामने मुगल एम्परर के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को एज अ दीवान यहाँ पर घोषित किया गया। पर इमेज में जो कि दिख रहा है, जो पेंटिंग्स में सामने हम उनको दिख रहा है, तो उसको ऐसा देख के लग रहा है कि यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही ओकेज़न था। इसमें दिखाया गया कि रॉबर्ट क्लाइव, बताया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही एक पेंटर हायर किया और उसको कहा कि मेरी मेमोरेबल इमेज बनाने के लिए, ताकि ये जो भी है मेरी लाइफ के एक अचीवमेंट में शामिल हो। एज अ दीवान द कंपनी बिकम्स इज चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the product if needed and sell what it wanted. तो अब दीवानी समझ लेते हैं हम कि दीवानी आखिर होती क्या है। तो दीवानी का फंक्शन होता है चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी हमारे आर्थिक रूप से जो भी फैसले होंगे वह एक दीवान के रूप में कोई भी ले सकता है। तो अब क्या हो गया कि जो ट्रेडर बन के आए थे वह दीवान बन गए हमारे यहाँ पर, और जो भी आर्थिक समझौते होंगे या आर्थिक रूप की सलाह जो भी होगी, तो वह डिसीजन मेकिंग की पावर किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई है। तो नॉट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, किस तरीके से उनको अब ये सोच विचार करने लगे किस तरीके से हमें जो भी ज़मीनें यहाँ की राज्य की हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से इसका रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और साथ ही साथ में ये जो रेवेन्यू आया या जो भी पैसे हमने कमाए हैं तो उसको कहाँ पर खर्च करने हैं कंपनी के बढ़ावे के लिए। तो ये सारी बातें अब कंपनी के द्वारा की जा रही हैं। अभी हाल में अभी सिर्फ कंपनी ब्रिटिशर्स की कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वही वर्क कर रही है। जो भी रूलिंग अथॉरिटीज़ आई हैं यह कंपनी के हाथ में आई हैं। ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन, बीइंग एन एलियन एलाइन पावर इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट एंड हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। Those who had held local power had to control, but they could not be entirely eliminated. तो अब हुआ क्या कि इनके पास में पावर्स तो आ गए, धीरे धीरे वो सीखने लगे कि लोग बागों को जो भी पहले से पावर्स कर रहे हैं, जो कि लोकल रूलर्स हैं, उनको अभी राज करने देते हैं, पूरी तरीके से उनको हटाते नहीं हैं ताकि इसमें इनकी हेल्प होती रहे। हाउ वॉज दिस टू बी डन, इन द चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रिडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वॉन्टेड। तो अब हम इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो भी यहाँ पर इन्होंने कॉलोनाइजेशन की है कंट्री के अंदर में, हमारे भारत देश के अंदर में,
ऑर्गेनाइज किया है रेवेन्यू को, पीपल्स के नए राइट्स जो भी अधिकार थे उनको दोबारा से संशोधित किया और बताया कि अब ये अधिकार होंगे लोगों के और क्या नहीं होंगे, और साथ ही साथ में वही फसलें उगाना किस तरीके से उन्होंने चालू की जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, पर आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बार याद दिला दूँ कि यह जो भी हम वीडियो पढ़ रहे हैं ये क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC एंड द अदर स्टेट सर्विसेज। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है वीडियो तो, और सब्सक्राइब अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद ही आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमली एज अ ट्रेडर। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट इट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कॉलोनाइजेशन। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ सच एज चीपली एज पॉसिबल। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स वॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो अभी क्या हो रहा था कि अभी भले ही कंपनी एज अ दीवान घोषित हो गई है लेकिन अपने आप को प्राइमरली वह ट्रेडर्स ही दिखा रही है, वो व्यापारी के रूप में ही अपने आप को दिखा रही है। तो व्यापारी के रूप में दिखा रही है तो इसका मतलब यही है कि व्यापारी को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, वह अपना प्रॉफिट अभी भी कमाना चाहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट हो सके कमा रहा है, रेवेन्यू इनकम भी, और साथ ही साथ में जो भी हमारा सामान के को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा था कि आज की डेट में जो सिल्क और कॉटन वो कमा रहे हैं वह पहले की तुलना से डबल वह यहाँ से ले जाने लगे हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से वह उनकी क्वांटिटी डबल कर दी गई है। इससे पहले 1765 की बात करें तो बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज गुड्स, इसके बदले क्या लेती थी जब भी यहाँ से कुछ सामान लेके जाती थी तो गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पर इम्पोर्ट करती थी और उसके बदले सामान लेके जाती थी। लेकिन अब नाउ द रेवेन्यू कलेक्टिंग बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो अब जो भी पैसा यहाँ से ये रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट करते थे बंगाल से उसी के बदले में ही ये सामान खरीद लेते थे। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। आर्टिसंस वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बींग फोर्स टू सेल देयर गुड्स इन टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बींग डिमांडेड फ्रॉम देम। आर्टिसंस प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. तब हुआ क्या कि जिस तरीके से ये इकोनॉमी चल रही थी तो ये साफ झलक आ रहा था कि सिर्फ हमारे यहाँ से पैसे जो है डेंड आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, कुछ भी आमदनी यहाँ पर हो नहीं रही है। तो साफ समझ में आ रहा था कि बंगाल की इकोनॉमी जो है वो धराशाई होने वाली है, ख़त्म होने की कगार पे, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस पे। आर्टिसंस जो थे वह एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा दबा दिए गए थे, उनके पास में पैसे नहीं थे। सिंस देवर बींग फोर्स टू, फिर भी इनको क्या किया जा रहा था, बिना ही पेमेंट किया, जितनी पेमेंट इनकी मिलनी चाहिए उसके बिना ही इनको फोर्स किया जा रहा था कम पैसों में सामान बेचने के लिए। साथ ही साथ में सेम चीज़ किसानों के साथ में की जा रही थी कि किसानों को भी वही करना होगा, वही फसल उगानी होगी जो है इनको चाहिए, जो भी फसल इनको चाहिए दे वर बींग डिमांडेड फ्रॉम देम। तो इस तरीके से कंडीशन हमारी हो रही है इन 1770 टेरिबल। अब क्या हुआ कि साथ ही साथ में बताया जाता अकाल की कंडीशन आई और जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा लोग बंगाल में खत्म हो गए, जो कि लगभग माना जाता है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम की खत्म हो गई। ये देख लीजिए, ये कुछ इमेज भी यहाँ पे बनी हुई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। उससे पहले यहाँ पर एक इमेज बनी है जो कि चार्ल्स कॉर्नवालिस की बनी हुई है। कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन बन सकता है और यहीं से एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि हु इन्वेंटेड या हु एस्टैब्लिश्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो उसका आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस।
the need to improve agriculture. If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. तब हुआ क्या कि अगर हमें इकोनॉमी जो कि नष्ट हो रही है और वही हमारा क्या है रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्सेज है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ने क्या सोचा कि अगर हम किस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लैंड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यह लोगों को इनकरेज करेगा कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने में. ओके, तो हाउ वाज दिस टू बी डन, पर यह हो कैसे. आफ्टर टू डिकेड्स ऑफ द डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनेंशियली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. इसी कारण से क्या हुआ कि लैंड की तरफ या एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लैंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया 1793 में. बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजा एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. तब हुआ होगा क्या कि जो राजा और तालुकदार हैं, जो भी ताल्लुक के लीडर्स होते हैं, जैसे कि आज की डेट में किसी गाँव के कोई सरपंच होते हैं, उस टाइम पर द हेड ऑफ द ताल्लुक वर तालुकदार और राजा, इन लोगों को जमींदार घोषित कर दिया गया. और ये क्या करेंगे, जो भी उस जगह की जमीन होंगी और जो भी इसका मालिक होगा उसकी जगह रेंट लेंगे, जो भी और जो भी कलेक्शन आएगा, रेंट आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसको ये राजा और तालुकदार कंपनी को देंगे. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन द फ्यूचर. यह क्या होगा, यह फिक्स रहेगा, जो भी अमाउंट हमारा रेंट डिसाइड कर दिया जाएगा यह हमेशा फिक्स रहेगा और यह कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा. यह ऐसा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में कहा गया. इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन टू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड. तो इसी के साथ साथ में क्या कहा गया कि जो भी जमींदार हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप क्या करिए, जो आपकी ज़मीन है उस ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन तो एक हिसाब से ही नहीं की होगी क्योंकि ये पे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, भले ही वह किसी और पीजेंट्स की लैंड थी. तो अब ये इनको इनकरेज किया जाएगा कि आप ये क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स यहाँ पर लगाइए और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए ताकि वह आप पे कर सके कंपनी को. द प्रॉब्लम, अब साथ ही साथ में कुछ प्रॉब्लम्स इसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आ रही थी उसको समझ लेते हैं. द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. द कंपनी ऑफिसर्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इनफैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड. तो हुआ क्या कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में देखा गया कि चीज़ें तो लिखित तौर पर बता दी गई कि आपको फसल उगानी है, इम्प्रूव करना है एग्रीकल्चर को, पर एक्चुअल में यह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था. द कंपनी ऑफिसर्स ने डिस्कवर किया, देखा कि यह जो है इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं. तो द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे. एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी. अब वो क्या रहा था कि चलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतना रेवेन्यू या उतना पेमेंट यहाँ से जनरेट नहीं हो पा रहा लैंड से एग्रीकल्चर के थ्रू या जो भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं. तो कई लोग या कई जमींदार जो थे फेल्ड हो जाते थे रेवेन्यू पे करने में, जिसका नुकसान क्या होता था. एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी. न्यूमरस जमींदार वर सोल्ड ऑफ एट द ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. तो इसका फाइन क्या इनको देना पड़ता था कि इनकी जमींदारी जो थी वो चली जाती थी, इनकी जो अथॉरिटीज थी, जो पावर्स थी वह चली जाती थी और इसको फिर नीलाम कर दिया जाता था कंपनी के द्वारा. ओके, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज. द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड. दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली. तब हुआ क्या कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी का पहला दशक था, उसमें परिस्थितियाँ बदलती हैं. मार्केट के जो प्राइसेस है वो हाई होते हैं कल्टीवेशन के लिए और धीरे धीरे कल्टीवेशन भी बढ़ने लगता है. इसका मतलब है कि जो भी जमींदार की इनकम है वह भी बढ़ रही है क्योंकि फसल वगैरह या कल्टीवेशन का सिस्टम जो था वो बढ़ रहा था, तो इनकम भी ज़्यादा आ रही होगी. बट कंपनी को इससे कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वह रेवेन्यू जो है रेवेन्यू डिमांड
फिक्स्ड था, परमानेंट सेटलमेंट में यही हुआ था बात कि जो भी हमारा रेट रहेगा, जो भी रेंट रहेगा, वह हमेशा भविष्य में फिक्स रहेगा। तो इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन द इम्प्रूविंग द लैंड, सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, अदर्स नाउ सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। तब हो क्या रहा था, इसमें एक और समस्या समझ में आ रही थी कि जो भी जमींदार थे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि हम कैसे भी आके इसमें से पैसा कलेक्ट करें, पैसे को निकालें, तो उनको भी ज़्यादा ध्यान नहीं था। इस कारण से कई लोगों की ज़मींदारी जा ही चुकी थी पहले से, और जो थे जो कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में करते जा रहे थे। कई लोग तो ये करते थे कि टेनेंट्स को या अपने किसी और को रेंट पर ज़मीन दे देते थे और उसको उससे पैसा ले लेते थे और वह पैसा आगे फॉरवर्ड कर देते थे। इस तरीके काम चल रहा था, वह कोई भी जो ज़मींदार था वह इस ज़मीन से एग्रीकल्चर के थ्रू या कल्टीवेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। दिस रेंट द रेंट ही हैव पेड टू द जमींदार वाज हाई एज एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफर टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज एवेक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टीवेटेड फॉर जनरेशन। अब हो क्या रहा था कि गांव में इसका उल्टा हाल था, वहां पर जमींदार जो राजा थे उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो तो उनके पास में पर्याप्त पैसा था तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बल्कि जो लेकिन जिनकी खाना पीना जो इसी से चलता है, जो गांव के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही थी, क्योंकि जो भी रेंट पे करना पड़ रहा था इन किसानों को, गांव वालों को, ज़मींदार को, वह इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई था, और साथ ही साथ में रेंट पे नहीं कर पाते हैं तो जो इनकी ज़मीन थी वह इनसिक्योर हमेशा बनी रहती थी। और कभी कभार तो ये हाल होता था कि अगर इनको पेमेंट पे करना है ज़मींदार को तो ये मनी लेंडर से पैसे भी उधार लेते थे, और पैसे उधार लेने के चक्कर में इनकी ज़मीन हाथ से चली जाती थी, क्योंकि कभी अधिकतर यही होता था कि पैसे जिससे लोन लिए हैं वह चुका नहीं पाते थे और वह लोन वाला व्यक्ति इनके यहाँ से ज़मीन ले लेता था और वह ज़मीन उनकी खुद की हो जाती थी। महल इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, बताया गया है कि महल क्या कहलाता था। हमारे मतलब में हम तो महल जब भी बात आती है तो महल का मतलब होता है किला कहीं पर बना हुआ है जहाँ पर लोग बाग राजा महाराजा रहते थे, पर यहाँ ब्रिटिश की जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसमें महल को इस तरीके से मेंशन किया गया कि जो भी रेवेन्यू स्टेट होगा चाहे वह विलेज हो या ग्रुप ऑफ विलेज हो उसको महल कहते थे। मतलब कि पैसों से भरी वाली जो चीज़ इनके यहाँ पे आती थी उसको वो कहते थे भाई साहब ये महल है। ओके अब इसके बाद में अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। तो अभी हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा और इसके बाद में एक न्यू सिस्टम डिवाइज्ड हो रहा है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट द टाइम व्हेन द कंपनी नीड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। अब देखिए पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ये कहते हैं कि चाहे भविष्य में कैसा भी होगा, भविष्य में ये जो हमने रेंट फिक्स किया वह रेंट हमेशा सेम रहेगा। पर लालच इनकी ख़त्म नहीं हो रही थी, इनको लगा कि जब भी कभी अगर रेट हाई होता, मार्केट हाई होता है तो भी हम कैसे वही चीज़ ले सकते हैं, वही पुराना रेंट ले सकते हैं, हमें भी तो प्रॉफिट होना चाहिए और हमारे कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं तो उसको भी हमको कंप्लीट करना है। तो ये सिस्टम तो नहीं चल पाएगा, ये सिस्टम में इनको प्रॉब्लम्स पुराने वाले सिस्टम में दिखने लगी। तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद में कन्विंस होते हैं सभी लोग और फिर एक नया सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट के बाद में डिस्कवर किया जाता है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरियाज नाउ इन उत्तर प्रदेश एंड एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ड मैकनेजी डिवाइज द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। तो 1822 में एक नया सिस्टम लाया जाएगा जो हाल ही में आज के उत्तर प्रदेश के जो एरिया है उस टाइम पर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे, वहाँ पर हॉल्ड मैकनेजी ने एक नया सिस्टम 1822 में डिस्कवर किया। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई गांव के जो लोग हैं वह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, तो इनको संरक्षित करना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स
went from village to village inspecting the land, measuring the fields and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be able to be devised period, not permanently fixed. The charges of collecting revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindars. This system came to be known as a mahalwari system. महल का सिस्टम पढ़ा था कि महल सिस्टम क्या कहलाता है, जो कि गांव या ग्रुप ऑफ गांव विलेज होगा जहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा तो वह क्या कहलाएगा, महल कहलाएगा। यह ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा मेंशन किया गया है और उसी महल की जो अंडर में सिस्टम लाया गया, इसी महल के इमेज में तैयार किया गया, उसको बोला गया महलवारी सिस्टम। इसमें हो गया क्या कि जो मैकेनिज्म था इसने फोकस किया गांव में, या किसी जमींदार से या राजा से डायरेक्ट संबंध नहीं रख रहा था। पहले क्या होता था, जमींदार से बात करते थे कि भाई तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, अब तुम चाहे जब किसानों से लेके आओ या खुद खेती करो कैसे भी करो, ये सिस्टम जमींदारों के हाथ में था। अब ये डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, गांव वालों के पास जा रहे हैं। तो इन्होंने गाँव के पास वालों के पास भेजा, सभी ज़मीनें कलेक्ट करवाई, रेवेन्यू कलेक्ट किया, वहाँ से जो भी मेजरमेंट लेनी थी फील्ड्स मेजरमेंट फील्ड का सर्वे किया और सभी को बताया कि भाई यहाँ से इतना इतना पैसा आ सकता है, लेकिन यह पैसा फिक्स नहीं रहेगा, यह पैसा चेंज होता रहेगा, कभी किसी को 500 तो कभी किसी को 5000 भी उसी ज़मीन के लिए देने पड़ सकते हैं। और जो भी अथॉरिटी कलेक्ट मनी कलेक्ट करने की दी गई तो गांव के हेडमैन को दी गई, ना कि ज़मींदार को। और इसी सिस्टम को क्या कहा गया, इसी सिस्टम को कहा गया महलवारी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा यह पॉइंट, द मुंडो सिस्टम। अब एक और सिस्टम आता है द मुंडो सिस्टम। अभी तक हम दो सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक है जमींदारी सिस्टम जो सॉरी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं, और दूसरा आया महलवारी सिस्टम सेटलमेंट। द मुंडो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम वाज दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रैयतवारी सिस्टम। तब हुआ क्या कि जैसे कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, उसी की तर्ज पर उसी के जैसे ही कुछ सोचा विचारा गया और साउथ की तरफ एक और सिस्टम ऐसा ही लाया गया जिसको बोला गया रैयतवाड़ी सिस्टम। तो जान लेते हैं कि चलिए क्या होता है ये रैयतवाड़ी सिस्टम। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन द सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो हुआ क्योंकि पहले कैप्टन अलेक्जेंडर ने कुछ एरिया में यह सिस्टम लागू किया और थॉमस मुनरो जो थे टीपू सुल्तान से भेजा के बाद में थॉमस मुनरो ने इसको एक्सपांड किया, डेवलप किया सिस्टम को, और यह पूरे साउथ ओवर साउथ इंडिया में फैला दिया। द रीड रेड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर टू ट्रेडिशनल जमींदार द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड दैट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रैयस हु हैड टिल्ड एंड लैंड फॉर जनरेशन देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। मुंडो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नर फॉर द बिगनर्स फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्जेस। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छे से सर्वे किया, ऑब्जर्व किया कि जमींदारी सिस्टम बड़ा तेज चलता है, तो इस जमींदारी सिस्टम से थोड़ा सा हट के ये पॉलिसी लाते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो भी है किससे बात करेंगे, यहाँ पर जो भी किसान हैं उन किसानों से बात करेंगे और उनसे कहेंगे भाई हम प्रोटेक्शन देंगे, जो भी बात है हम करेंगे, आपको अगर कुछ पैसा चाहिए तो हम देंगे, लेकिन उसका चार्जेस जो है वह हम लेंगे। यानी कि एक हिसाब से किसान किससे संबंधित में, लैंड जो ऑनर है या किसान है वह किससे संबंध में आ रहा है, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ रहा है कि अब एज ए एम्प्लॉय आप हमारे लिए काम करोगे और अगर जो भी प्रॉफिट होता है वह हमें मिलेगा और उसका चार्जेस रैयत का आपको हमें देना पड़ेगा। और वॉज नॉट वेल, इनमें से तीनों चीज़ें जो थी तीनों सिस्टम, भाई किसी के लिए कोई और सिस्टम कोई और बनाएगा, ज़मीन हमारी सिस्टम कोई और बनाना डिसीजन कोई, तो ये कैसे चल पाएगा, तो यह सिस्टम कहीं पर भी सक्सेस नहीं हुए या पसंद नहीं आएगा। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम ड्राइविंग बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई A revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside and villages became deserted in many regions.
ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द फीचर इनटू रिच फार्मर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। अब हुआ क्या था कि इसके बारे में सोचा गया था कि जैसे कि अब ये नए सिस्टम रहित वारी आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन वही सेम चीज़ की डिमांड जो थी इनकी पेमेंट की कि भाई हमको इतना पे करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा हाई थी, जो कि नहीं कर पा रहे थे। तो कई लोग क्या कर रहे थे कि प्रयास करने के चक्कर में कि भाई पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, तो कोई भी फसल उगाने लगी, जिससे क्या हो गया, लैंड डिजर्टेड होने लगी। कई लोगों ने अपनी ज़मीन में खेती करना ही छोड़ दिया कि भाई पैसे तो हमें मिलने नहीं है, जो भी पैसा मिलना है वो इनको ले जाना है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा लैंड रेवेन्यू डिजर्टेड होने लगा, मरुस्थली में बनने लगा और नुकसान होने लगा। तो जो भी हमारे उस टाइम के ऑप्टिमिस्टिक थे, जो बड़े बड़े विख्यात थे, सोचने वाले थे कि यह जो रैयतवाड़ी सिस्टम है यह बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाएगा किसानों की इनकम को और साथ ही साथ में कंपनी की इनकम को, वह बिल्कुल धराशायी हो गया, इसके जस्ट अपोजिट हुआ। और यहाँ पर लैंड जो था वो डेजर्टिफिकेशन की कंडीशन में जाने लगा। तो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको यह जो भी टॉपिक है जिसके बारे में आजकल हमने डिस्कशन किया है वह पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके ना। यहाँ पे मैं बार बार बात से कह रहा हूँ, ये ना सिर्फ क्लास एट के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर टू नो अबाउट द हिस्ट्री, ताकि आपको ये हमारे पास्ट के बारे में पता चले। साथ ही साथ में जो भी लोग स्टेट सिविल सर्विसेज या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम टॉपिक वाइज हर पॉइंट को कवर करने वाले हैं, तो इस पर देखते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।